जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और बिहार में आरक्षण से जुड़ा कोटा संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की डिमांड कर दी है। बीजेपी के साथ अटूट रिश्ते के दावे के बीच इन मांगों के जरिए जेडीयू ने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी अहमियत भी दिखा दिया है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। जेडीयू की बैठक में इस बात को माना गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का इंतजार काफी हो चुका है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में आरक्षण कानून पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई है, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक बेसिस के लिए हम लड़ते रहेंगे। इसके साथ ही जेडीयू की बैठक में बिहार राज्य के आरक्षण को बचाने की भी बात कही गई। पार्टी की ओर से कई संकल्प लिए गए, जो प्रमुख मांगे थी उनमें बिहार को विशेष दर्जा या विशेष पैकेज, बिहार में बढ़े आरक्षण का कोटा नवी अनुसूची में शामिल हो, नीतीश के नेतृत्व में बढ़ने का प्रण लिया गया, बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा के साथ ही आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी राय जाहिर कर दी है। बीजेपी के साथ दोस्ती बरकरार रखने के साथ ही पार्टी की पुरानी डिमांड को सामने रखकर जेडीयू ने अपनी अहमियत अगले चुनाव में भी जताने की कोशिश की है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मेरठ में बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। नकाबपोश बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को बंधक बनाया, लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। मेरठ के थाना रेलवे रोड क्षेत्र के प्रेमपुरी इलाके का ये मामला है, जहां महिला के घर में घुसकर बदमाशों ने जेवरात और नकदी लूट ली। जैसे ही महिला और बदमाशों का आमना सामना हुआ तो उन्होंने महिला को बंधक बना लिया। महिला ने जब वारदात का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। कि सुबह करीब 5 बजे के आसपास एक महिला जिनका नाम प्रतिमा मंडल है, करीब 50 वर्ष की उम्र है, ये अकेले घर में रहती थी और इनके सुबह सुबह 5 बजे के आसपास ये अपना सुबह दरवाजा वगैरह खोल रही थी। छत के रास्ते से 3 लड़के आए तथा इनको ओवरपावर किया उन्होंने, हाथ से और मुंह से इन्होंने उनका मुंह और मतलब और आँख बंद कर दी थी तथा इनको एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। इसके बाद ये कमरे में गए, वहाँ पर इन्होंने कुछ ज्वेलरी और पैसे जो अलमारी से चाबी के माध्यम से खोला इन्होंने। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। इस पूरे मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान ले लिया गया, इसमें 3 टीमें फॉर्म की गई हैं। जालौन में कानपुर झांसी रेलवे लाइन के पिंडारी गांव के पास का रेलवे ट्रैक पर मां और बेटी का शव मिला है। जानकारी के मुताबिक महिला मानसिक रूप से बीमार थी, जिसके बाद उसने मासूम बेटी के साथ ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।